friend, this is Suhas Khamkar Fitness Channel and today on our first vlog video, आज हम बात करेंगे workout tips and benefits for beginners. तो दोस्तों सबके मन में एक सवाल आता है कि कौन से एज से workout start करना चाहिए. जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, तो मैंने मेरे 15 years के एज से मैंने workout start किया था और 16 year के एज में मैंने पहला टाइटल जीता था और वहां से आज तक मैं जीतता ही आया हूँ. इस शर्त पे कि मैंने कभी अपना वर्कआउट को ऑप्शन नहीं रखा है लाइफ में, इसको कंपलसरी रखा है और ये मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र रहा है. सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द पॉइंट. फ्रेंड्स, दिस इज फॉर द बिगिनर्स. हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन एंड डाइट, दीस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो फ्रेंड्स, हमें वर्कआउट के पहले क्या खाना चाहिए? बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि वर्कआउट खाली पेट करना चाहिए. तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है. वर्कआउट के 30 मिनट पहले कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत जरूरी है. फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इंजरीज के बारे में बताता हूँ. जिम में इंजरी वर्कआउट के अलावा भी होती है, जैसे कि आपकी कॉस्ट्यूम कंफर्टेबल ना होने की वजह से भी होता है. वर्कआउट करते समय आपका फोकस ना रहे तो भी इंजरी हो सकती है एंड अपने जिम इंस्ट्रक्टर को फॉलो ना करने से भी इंजरी होती है. तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों. वर्कआउट के टाइम इन सब बातों पे ध्यान रखिए और इंजरीज को इग्नोर कीजिए. वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले आपको वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है. ज़्यादा करके इंजरीज वार्म अप स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से होती है. जिम में वर्कआउट की शुरुआत लाइट वेट से करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को समझ के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए. वर्कआउट खत्म होने के बाद भी स्ट्रेचिंग जरूरी है. इससे आपको मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और इससे आपको मसल्स डेवलप होने को बहुत सारी मदद होती है. प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और इसके मसल्स रिलैक्स होने के बाद अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है. सो फ्रेंड्स, वर्कआउट फिनिश हो जाने के बाद बॉडी को मसल रिकवरी के लिए बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है और कुछ समय बाद कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है. इससे हमारे मसल्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेस्ट इज कंपल्सरी. कम से कम 6 से 8 घंटे आपको रेस्ट करनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपकी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछिए. सो वर्कआउट करिए, फिट रहिए एंड डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर एंड फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स. Thank you.